वाला बिरहा, जो जो बिरहा आगे बढ़ी ते तो बिरहा में जवानी आई। ये तो खाती बीरस के बिरहा, देशभक्ति बिरहा। आओ भैया हमारे विरहा का शुरुआत। और भैया उठा पतिता भूमिका भाव दिया, मौत भी जिनको हरदम नमन कर गई। मर गया मिट गया हंसते हंसते बमर। बड़े बड़े बहादुर, कितनी माओ की गोद सुनी हो गई, कितनी बहनों की राखी सुनी हो गई, कितनी विधवा जिंदगी। कौन आशिक मासूदा के बात, हाँ बड़ी पुरान कवाली, लेकिन आज भी मर रस है, कौन चीज पुरान ना हो। पुरान चावल होगा, पुरान गुड़ होगा, पुरान दारू होगा, पुरान मेहरारू हो गए। ऐसे की जो इनकर वाली हो ना, नहीं की जहाँ जा वाला बिरहा गाँव बोले तो घर में जाले भागला मार्केट में गोलगप्पा खा ले पीछे इनकर माई है बड़ी घर अंगोर है परेशान है तो बात आए तो बच्चे ना हम पूरा खोल दे। कौन वासिक मां सुना की बात हो, अरे तोड़ दियो दिल जामिन के बोतल, तोड़ दियो दिल जामिन के बोतल, अरे मीठा चला के खंजर, अरे मीठा चला के खंजर, नजरों में तेरे जानम है जाम का समुंदर, नजरों में jam 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 ऐसे सुंदर भाव है, आवाज मेरी है मगर वो शब्द उन बहादुर वीरों का है। क्या मास्टर, ये आवाज है मेरी मगर शब्द उन बहादुर वीरों का है। क्या शब्द मास्टर, अरे बल्कि हाल भी ढाकता चलो, बल्कि हाल भी ढाकता चलो, हाई जाने क्या भी माने, हाई जाने क्या भी माने, मिल जाएगा बराबर मालूम चलेगा पानी, मिल जाएगा बराबर मालूम चलेगा पानी, मिल जाएगा बराबर मालूम चलेगा। मिल जाएगा बराबर तो मालूम चलेगा पानी, तो पानी का था लग जाए। भैया हमारे बिरहा का शुरुआत जौहरी भाव से। आए हाय हाय एक है एकदम खाती पीरस का बिरहा बोलेगा।
जने बिरहा में जोहरी सह न रह बीरस के बिरहा में बिरहा अधूरा रह वो बिरहा अधूरा रह गए पूरा कब हो जब जोहरी सर लग जाए झुराव बड़ी घाम मगर दऊ बढ़िया रही धुरा घाम करिए झुराव जाई ये देख हमारे बड़े भैया पूजनीय श्री हमारे प्रदीप बाबू जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा बा आज ये मुकाबला है पूरा सूट भैया लगौले हम करत हूँ ये पूरा बिरहा नेट पर यूट्यूब पर बिमिट पर ये बिरहा कल से आप लोग देखबा सुनबा हमारे बड़े भैया प्रदीप बाबू की ओर से ये बहुत ही अमूल्य मिला है आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार ये 251 रुपया के आपके चरण छू के प्रणाम है ए भैया हमारा बिरहा का शुरुआत हो गई आप बड़ी बिरहा सुन लो खबर क्रांतिकारी देशभक्ति मगर ये बिरहा अलग है बात मिली जब अपना देश गुलाम था अंग्रेज के हाथों में त्राही त्राही मची हुई थी ए बाबू जैसे मानो जनता हिंदुस्तानी कर रही थी इतना जुल्म ढाते थे वो लोग भारत में रह करके अमृतसर के धरती पर एक क्लूटाम्स मजिस्ट्रेट जिसका नाम क्लूटाम्स है क्लूटाम्स जो है मजिस्ट्रेट ये भैया अमृतसर के धरती पर एगो अखाड़ा हो बड़ा प्रयार अखाड़ा बड़ा प्रसिद्ध अखाड़ा वही अमृतसर के धरती पर हो अखाड़ा के समीप ऐलान करवा दिया कि है कोई माइकल हिंदुस्तान में जो कोई हो आ जाए इस अमृतसर के धरती पर अखाड़े में ए बापू ऐलान सुनते मां जितने हिंदुस्तान के लोग थे जा करके अखाड़े के पास लोग खड़े हैं चैलेंज कर रहा मजिस्ट्रेट क्लूटाउंस कि अरे कोई है इतने में से कोई दिखाई नहीं दे रहा कोई है कि नहीं है सभी लोग शांत बैठे हुए हैं किसी में साहब हिम्मत नहीं हो रही है और वो अखाड़वा में बंचो अखाड़ा का दृश्य का वो अखाड़वा में अंग्रेजी पहलवान खड़ा है ज्यो ज्यो बिरहा आगे बढ़ी पंचो तो बिरहा जवानी आई अखाड़ा पहलवान अंग्रेज पहलवान खड़ा है अकेला भाजा था अकेला भाजा था अब बार बार चैलेंज कर रहा है क्लियो टाउंस मजिस्ट्रेट एक तरफ अंग्रेज एक तरफ भारतीय लोग बैठे हुए हैं हिंदुस्तान के लोग बैठे हुए हैं और तब तक चैलेंज करते करते बाबू एक जने से पतिया बर्दाश्त ना भइल भीड़ को चीरते हुए एक नौजवान उठा है देखिया उठाने बाबू नौजवान उठा है उठने के बाद छलांग मारा छलांग मरला से बाबू छलांग मरने के बाद वो खड़वा में कूद पड़ल जब खड़वा में कूदला है मजिस्ट्रेट देखा अरे अरे ये कौन आ गया कहां से आया ये कौन आया कहां से आया तब तक वो लड़का जो बाबू पहलवान था भारत का पहलवान इसका नाम था सुखविंदर सिंह है बाबू सुखविंदर पहलवान लौकार दिया अरे ओ पापी अंग्रेज ले आ गया हिंदुस्तान का पहलवान शेर आ गया तेरा यही पहलवान है तेरा यही पहलवान है तो ले आ गया भारत का पहलवान
तेरा चैलेंज कबूल करता है। आखिरकार क्लू टाउन जो है वो देखा, हाय हाय, रंग रूप पहलवान है, बढ़िया अच्छा खासा है, दांव पे अच्छा लगाएगा। एक काम कर, विचार दिमाग लगा हुआ था, ऐसा ना करे कि कुश्ती चेंज कर दिया जा, टाल दिया जा, दिमाग लगा हुआ था। कल सुनो, ओ भारतीय पहलवान सुनो, कुश्ती आज नहीं होगा, अब कुश्ती कल होगा, कल आ जाना अगर तुम चाहते हो तो, कल आ जाना। कहा कि ठीक है सालो, ये भी मंजूर है। ए भैया, घर में चलल हवन हो, जितने जनता हिंदुस्तान के हैं, लोग अपना खुशी मनावत होगा कि भारत का शान सम्मान रखने वाला कोई तो खड़ा हुआ। आय हाय, लोग खुशी खुशी घरवा ले कैलन है, और सुखविंदर पहलवान घरवा में पाए के घरवा मनकर दुल्ही है, मंजीत कौर। ए भैया दुल्हिया बाहो, दुल्हिया गर्भवती है, रात का मेला है, अपना दुल्हिया से पूरी कहानियां बताओ तुम्हें। सुनतारू तो क्या तन मालूम होखी नहीं, कनी का बात हो, कैसन बात? तब सुखविंदर कहला कि तोहरा के देखे मालूम, कल हमके जाए के अंग्रेज पहलवान से लड़ा खातिर कुश्ती, देश खातिर। आय हाय, आज देश की वीरांगना हाई छतिया भथवा रखलस, कलस बाहरे सैया, हमारे ही सुहाग धन्य हो जाए, हमारे मांग का लाली रह जाए। आय हाय, इतना दोनों पति पत्नी आपस में बात कर रहे हैं, तब तक देखें अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज सिपाही पीछा कर ढूंढते ढूंढते पीछा करते करते घर पर आ जाते हैं और आवाज दिए, अरे भारतीय पहलवान बाहर निकल, निकल बाहर। सुखविंदर आवाज के सुनला, बाहर निकलना देखना, साले कुल हाफ हाफ चड्डी पहले खड़ा हो, कहना बोलो क्या बात है? तो अंग्रेजों ने कहा, सिपाहियों ने कहा कि सुनो, मेरे साहब का आदेश है, मेरे मालिक का आदेश है, कल अखाड़े में आना नहीं, कल अखाड़े मत आना, वरना अगर आ जाएगा अखाड़े में तुम्हारा खानदान कोई नहीं बचेगा। अगर सलामती चाहते हो, सच्चा चाहते हो, तो अखाड़े में कल मत आना। देरवाउला ही भैया, इतना बतिया कह के चला गए ना सुखविंदर पहलवान, मुहावा से कुछ कहको ना खेल, जब कुछ ना बोलना दुलैया सम बगलिया खड़ी है, सुनलस हासल बड़ी जोर कलस बा, धिक्कार तोरे जोर जांग पे है, धिक्कार तोरे जवानी पर है, धिक्कार हमारे सिंदूर पर है, हर पापी अंग्रेज आइलन तो के धमका के चल गई लन, क्या कैसे बहादुर हो, कैसे वीर हो, अरे कैसे धरती माँ की लाज रखोगे, विश्वास नहीं है। आय है, कैसे कहनी मास्टर या बिरहम लगे दर्द, हमारे मांग का सिंदूर कलाज रही कैसे, अब जब हो गई तो धरावा मत, हाँ ओके वो भी रगड़ रहे थोड़े कुछ नहीं बोला ना, चल कोनो बात ना, जय बापीर गति जो पाई खाली सिंदूर मोर धोवाई, तोहार खानदान कोई ना बची, तो तू का कहत हुआ, जइबा कि ना, अगर ना जइबा तो हमार मुंह सुबर देखना पैबा। आय हाय, सुखविंदर पहलवान ने कहा, अरे तू कैसी बात करती है रे पगली, एक तरफ मेरा परिवार, एक तरफ हिंदुस्तान की रक्षा है, माँ का राज है,
मैं खुद फंसा हुआ हूँ, किस तरफ जाऊं? अगर जाता हूँ काला खाड़े में तुम मेरा परिवार सब विध्वंस हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अगर नहीं जाता हूँ धरती माँ का लाज खतरे में, तो दुल्हन कहती अब सिर्फ एक फैसला करो, क्या चाहते हो? कला कि हम तू जो कह तो मान जाए। आय है तो दुल्हिया कला से किसने आई है, हम कहल चाहता नहीं कि अगर आप अखाड़ा में लड़ते लड़ते कुश्ती की गति को प्राप्त कर जाएंगे, हमारे मांग के सुंदर दवाई न हमके मंजूर है। मगर ये धरती माई का लाज अगर चल जाए दे सैया धिक्कार हमारे सिंदूर के हो जाए, कबो माफी ना दे सकब अपने आप को। आप चाहिए सुबह अखाड़ा में लड़ाई खातिर कुश्ती देश का लाज बचावे खातिर अलग तुहार अंश हमारे पल्ले हाँ एक संभाल के रखो। ये भैया इतना ना हो सवेरा हुआ है, जब सवेरा हुआ है आज सुखविंदर पहलवान स्नान स्नान किया उतरे हिया निगोटा थमुलिस लार पे टीका लगौलस, टीका लगौले के बाद हो चल रहो पहलवान। हिंदुस्तान की जनता है बाबू, सब पीछे पीछे घेरे हुए हैं सुख पहलवान, और लेकर के पहुंचते हैं एकदम जमात सहित। जब लेकर पहुंचते हैं अखाड़े के समीप, देखता अंग्रेज बैठा है लुटांस अपने स्थान पर, कुर्सी बैठा है, सोच रहा है तो पहलवान आएगा नहीं, वो तो आएगा नहीं, वो तो नहीं आएगा, डर गया होगा। लेकिन ये पंचो भीड़ को लिए हुए सुखविंदर पहलवान पहुंचा है, और जब पहुंचा कैसे बाबू, अरे चला है देश का बागी, चला है देश का बागी, वे अवन के नाम परिणा, चला है देश का बागी, वे अवन के नाम परिणा। जब भीड़ को लेकर पहुंचा है अखाड़े के पास हो, भीड़ को छोड़ा और अखाड़े में अंग्रेज पहलवान भाजत है, आजा करी गोर करी अखियार बंद खुल गई, इतना बोला इतना सुन रहा, अब वहीं के पट शिक्षा खुल गई। जब लेहली है नमुआ कागरी गोर करिया पर, जब भूल जाला तो खुल ही जाला भैया, जला के हो हाँ, जब दिल में खसा ना गाना बन जाए, क्या है धर्म भाष हो गया का वही ऐसा बिहार का सोटी पर क्या भैया, अकेला भाजा था अंग्रेज पहलवान, तब तक भारतीय जो भारत का पहलवान है सुखविंदर हो छलांग मार के अखाड़ा में गई, जब अखाड़ा में गई देखला अंग्रेज पहलवान का सालो डीपे के दूध पीने वालों, तेरी माता पिता के जय हो जय हो। ए भैया आखिरकार हाथ मिलौल भाई, मजिस्ट्रेट देख रहा है सारे से डरा नहीं, धमकाया गया था इसको चलाया, आए है बारे भारत का पहलवान हिंदुस्तान का पहलवान सुखविंदर हो अखाड़ा में लग लग कुश्ती लड़क कैसे बाबू यहाँ पर हाई
ए बाबू दोनों पहलवान हाथ मिला लिए हैं, दाव पेच शुरू हो गया। कैसे समय 20 मिनट जैसे पहाड़ से पहाड़ टकरा चिंगारी फेंके केव से केव कम नहीं है, बिछला मत केव से केव कम नहीं है, लोहा से लोहा टकरा रहा है बाबू, लेकिन बार हिंदुस्तान के माटी में दब है। ऐसा मौका पोलन सुखविंदर ये भैया सुखविंदर पहलवान हो, ऐसा मौका पोलन और अंग्रेज पहलवान के यही तरह खसीट के ये भुजा पकड़ल धबिया पान बन रहे भैया धबिया पान मरल हो वही छाती पर ठिकुना के पल सवार भैया ज्यादा भुजा भजबे सारे तो खड़ा हो वही सीना पे सवार हूँ आओ हसत हुआ सारे को देखत हूँ करा हूँ सारे तो क्या करा उठ खाली भकर भकर देखत हो खाली टुकड़ टुकड़ ताकत हो सुखविंदर पहलवान कर इस माटी में दम है साले इस माटी में दम है ये हिंदुस्तान का अन्न है हिंदुस्तान की माटी है ये हिंदुस्तान हमारा है तुम साले आकर के चैलेंज करते हो तुम्हारा चैलेंज नहीं चलेगा ये धरती कोने कोने पहलवान मौजूद है यही है बनारस बना हुआ रस है बनारस मंदिरों का शहर काशी की नगरी अरे भैया देख रहा क्यों टाउन्स मजिस्ट्रेट भारत का पहलवान मेरे पकड़ा हुआ पहलवान को और छाती पे सवार है अपने सिपाही को इशारा करता है अपने सिपाही को अंग्रेज क्यों टाउन्स इशारा करता है यही मौका है और पहलवान घेर लो चढ़ा के मार डालो ए भैया घेर लो उस पहलवान को घेर कर ही गोली मार दो पकड़ करके ए बाबू लेकिन जब तक इशारा किया तब तक इधर समझ गए सुखविंदर पहलवान सारा अंग्रेज है धोखा करेगा ही आखिरकार वो छोड़ के पहलवान के ओ पछाड़ करके अखाड़ा में छलांग लगवेल कूद के भगलन कूद के भगल भैया भैया जब कूद के भगलन है अंग्रेज सिपाही पीछा कैलन धीरे 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 एक घंटा बीत गई का दो घंटा बीत गई जितनी जनता है हिंदुस्तान की है तेरे मुड़िया घुमोले हो बन कि कोनो खबरियो ना आवत है ना कोई सिपाही आवत हुए कुछ समझ में आवत ना है कि उसके साथ क्या किया गया पहलवान को मार दिए या क्या किए कुछ खबर नहीं आ रहा है जनता के आंख में आंसू है बाबू आखिरकार लोग आए हैं देख जो है जो थक गई ना होगी कौन खबर ना आई आई ला घर पे पहलवान के आई आई कोई दुलहिया से कहा थुमन दुलहिया से कहा थुमन कि अरे अरे पहलवान की औरत ए भैया आखिरकार लोग थके जो है जो आई ला घर में पहलवान के वो दुलही से खबरिया देलन है कि अरे देश की वीरांगना तेरा पहलवान तेरा पति लगता है मारा गया
लेकिन एक बात सुन ले, खुशखबरी भी है कि तेरा पति जो पहलवान और सिकंदर पहलवान अपनी हिम्मत को नहीं हारा, हिंदुस्तान का लाज रखा, मगर अंग्रेज पीछा किए लगता है मार दिए। आए हाय, आखिरकार शक के दायरे में लोग पड़े हुए हैं, लेकिन लोग जो है जब 2 दिन बीत गल है, ये भैया आखिरकार आज डर रही है कि मैं तो घर में हूँ, हो ना हो हम के मार घला पंचो। उसी समय वो दुल्हन जो पहलवान की दुल्हन है अपना घर बार छोड़ देती है, गर्भवती है अपना घर बार छोड़ देती है। साहब निकल गई, रो रही है, बिलख रही है, घूमते पहुंची का लुधियाना शहर। जब वहां पर गई है, गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के समीप खड़ी हुई है, गेट के पास आंख में आंसू है। ये साहब शरीर का जो वस्त्र है सब गंदा पड़ा हुआ है, रोवत है। एक बाबा दिखलन कहला, बेटा क्या बात है, कहाँ की रहने वाली हो और ऐसी हालत में कहाँ जाओगी? रोवत था कलश के, बाबा यह बाबा मेरे पास कोई नहीं है, मेरा पति देशभक्त था, मेरा पति पहलवान था, अंग्रेज मार दिए, डर था कि मुझे भी न मार डाले, उनकी निशानी मेरे गर्भ में पल रहा है, मैं इसी को बचाने के लिए अपना घर छोड़ करके निकल गई। ये बाबा अगर आज्ञा होते ही अपने दरबार में उनके शरण दे दी कुछ दिन खाती। बाबा ने कहा, रे बेटी चिंता ना कर, एक गुरु का दरबार है, जब तक रह सकती हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। ये बाबू एक रूम देना बाबा हो, वही पर रह लगली, अब पूरी व्यवस्था हुई जमीन लगल, समझानुसार एक सुंदर सा बच्चा पैदा हुआ। उस बच्चे का नाम आज देश की वीरांगना क्या रखती है, ये साहब वही नाम रखती जो पति का नाम था सुखविंदर सिंह। ये बाबू आज बचवा का नाम सटा के रख ली, इसे हमारे पति का नाम सुखविंदर, बचवा का हमारे नाम टैली करते रहे। कहा गया कि साहब बांस के तरह बांस जाए, भले कहीं नहीं बांस है कहा, भले ही कहीं नहीं लेकिन कहा तो बांस है, तो हो नार बलवान के हो चिकने पाप। आज अपना बचवा के पंचो पालत है, मगर आग भरत है सीना में, आग भरत है शेर की भांति बच्चे को पाल रही है। बचवा का नाम सुखवीर रख ले ही, कि इसे हमारे पति का नाम उसे बचवा का नाम छटा हुआ नाम रहना चाहिए। रखली बाबू जब बचवा भैल 22 बरिस कर आ गए समय कलम 47 वाला, जब अंग्रेज फैसला कर लिए कि हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे, संविधान बनाकर मिल गया। फैसला लोग किए उस वक्त हिंदुस्तान में एक लहर से उठ गई, खुशी की लहर उठी कि अपना हिंदुस्तान छोड़कर अंग्रेज चले जाएंगे। आए हाय दुनिया खुशी मनावा था, आए हाय लड़के वा सुखी रहा, ओ पहलवान का बच्चा हुआ हो। ये बाबू वो खबरिया पौलस सत हाली हाली गल धुड़े धुड़े माई के लगवा कर से माई ए माई ए माई कहीं कहा बाबू का बात हो कल सकी है माई तोरा के नहीं के मालूम आया पर हिंदुस्तान छोड़ के अंग्रेज चाहे वाला हूँ, कुछ दिन में अपना देश आजाद हो जाएगा। आज हजब इतनी बतिया सुन लस मातरिया हो, अखिया से आंसू झरझर झरझर झरे लगे, रोए लगे मातरिया कलस माई तू काहे रो तड़ू माई, ए माई काहे तेरे आंख में आंसू हो माई, काहे रोवत है माई कहने के बचवा, अरे हमें खुशी हरे पगला रोवत आनी यही खातिर, लेकिन बचवा कलस की ना ना माई ना कोनो पात तो जो कि छुपावत ही हमारा से बोल माई का बात हो। आज आखिरकार माई मजबूर हो गई, कहने के बाबू तो इच्छा सुने खातिर कि काहे रोवत थी, रोवत का मेन मतलब यह बचवा, अरे जवन अंग्रेज पापी तोरे बाबू के मरवा गलस वो जिंदा जाएगा अपने वतन इस देश से इस हिंदुस्तान से जिंदा चला जाएगा, हमके यही का दुख है पगला, हमके यही का दुख है। जब इतनी बात सुनलस लड़का खून नया खून उबाल मरलस, उबाल मार दिया, जब खून उबाल मरलस ये साहब लड़का है गरम खून है माई से कलस किए माई, अगर पापी और बाबू के मरौले हो तो जिंदा जाए ना दे, चरणिया छोलस बिहाम चेरी भाव लगे
हसीना कमीना बच के चाहिए कैसे कहला कि माई ओ नहीं खून है हम तोर अंश है रे माई और बाप का अंश है बगैर पता ले ले हम वापस बेटवा हो तो लायक हो न लायक ना कि दूध पिया दे अपना कोखी से पैदा कई दे नलाग निकल जाते इधर तो बेकार ना बल्कि बकरी जगह भेड़ी दूध पिया ठीक दे कैसे भेड़ी दूध बड़ा मोटवार हो गया केमिकल टाइप जे जे भेड़ी दूध पिए ले होखी कितनी मोटी दूध हो ले अजाला के जे पा दूध पी ले ना कम से कम एक महीना तक रियाज करे तो पची ना छड़िया तो ना ना छड़ काम ना कर हाँ जाके काम कर दे उनका तो नाम है हर नाम जनों अरे वाह अबे मत कोनो तर्क वितर करना है नाम है हर नाम जनों अब मेरे सामने सालों ने मेरे काली कम काली कमली वाले काली कमली वाले ए भैया लड़का हो चरणिया छोलस कलस की माई अपने बचवा के आशीर्वाद दे बेटवा होते लायक हो भैया अगर नलायक हो खो सरवा सौरिया पैदा होते मर जल्ला आखिर कहा लड़का जितनी पतिया कलो से माई रो थकल से नारे बचवा ना नारे बचवा ना और यही देश के लिए अपरम सिंधु कमा दहले ने पहला और तू कहा तुम के जा मारा अंग्रेज के नारे लाल ना ना जो अपना कोखम सुनी कर ला चाहता नहीं ये बाबू लेकिन अभी क्या कलश के नाम आई ना अगर तो ऐसे ही मोम बन जाएगी तो मेरा बाप का सपना अधूरा रह जाएगा अपनी बेटी को आज्ञा दे रे माँ अपनी बेटी को आज्ञा दे ये जाएगा पापी को महान करके आएगा बदला दे कि अगर विश्वास नहीं है माँ तो अपने दूध पे विश्वास रख अपने खुद पे विश्वास रख तेरा बेटा जाएगा और मार कर हंसते हंसते आएगा तेरी गोदी में बैठेगा आय हाय आखिरकार माई आशीर्वाद तो दे देने जा बाबू माई पगली होके टुकुर टुकुर देखत है कि बचवा जात है लड़का है बाबू चल गया सो निकल गया जैसे भूखल शेर शिकार खोजल लगल खोजे कि सालाओ कहाँ मिलेगा सालाओ कहाँ मिलेगा जहाँ पाई हर लफ सारे के चाहे कौनो मगर हो यहाँ लगल विधान दर्ज खोजते खोजते आखिरकार उसके बंगले पहुंचल लड़का एगो सिपाही बारवा खड़ा है जाके झूठा करोवत है झूठा आंसू गिरावत है कि साहब हमरे पल्ले कोई ना हो साहब आपके मालिक हैं कहाँ अपने मालिक से मुलाकात करवाइए हम जूतवे साफ कर खाली पेटवे पर रख ली लड़का चाल चलत है झूठा करोवत है सिपाही ने कहा अच्छा चलो अंदर मालिक बैठल हुआ मौज मस्ती में तब चूर हुआ हाँ
एकदम बढ़िया से हम छान भांगे हैं, जब भांग छाने लहने भांग खात रहना ए भाई आखी कलर क्या हो। दुई गो सिपाही बगले ले गईलन हा बीच में, उ बीच में है बाबू दोनों बगले सिपाही अंग्रेज हो। जब ये करके अंदर पहुंचते हैं देखता है वो सुखबीर बचवा, ए भैया आखिरकार ये साहब हुआ क्या लड़का। जब देखा से क्लू टांस बजी स्टेक अंग्रेज के दिल में से आग लग गई सरवा, हमारे बाप की है मरले हो, बाप का हमारे कातिल यही है। ये बाबू दिल का बात जुबान तक आओ में देरी ना भईल हो। बगन्या खड़ा रहा अंग्रेज सिपहिया पिस्तौल को छीनता है और छीनने के वजह से देश तजार हिरन होले। बाबू हिरन की तरह अपना वार करना शुरू किया और धार धार कई गोली वही सीना मरला सर। क्लू टाउन मजिस्ट्रेट के जय गोली मारत तय कदम पीछे बढ़ावत, कदम पीछे बढ़ावत गोली मारत निकल गल बा। अंग्रेज पिछमुड़िया भाई देखल है बाबू गेट पार कर चुकल, जब गेट पार कर चुकल क्या गेट पार कैले बहो पीछा किए अंग्रेज सिपाही कैसे बाबू बाबा आखिरकार कब तक भागता है, कब तक भागता है बाबू। घेर लेते हैं लड़का थक चुका है 22 बरिस का, कब तक भागता पंचो घेर लिए। घेरने के बाद तनिक भी समय नहीं देरी किए तार-तार गोली सीने में उतार दिए, कई गोलियों का बौछार सीने में किए धरती पर गिर गया। धरती पर गिरा है बाबू और धरती पर गिरने के बाद अपना लोग पैरवा से मरत हुआ हो और बचूंगा के शरीरिया पर जोहत हुन अंग्रेज कमीना जोहत हुन कभी मर जाए कभी दम तोड़े तब लोग वापस चले। हे पैर से लोगन मारत हुआ ये पंचो बचवा का रहा धरती पर गिर के, शरीर से लोग की धारा चल रही है रो रहा छपटिया था आवाज चीखे दूर तक जा रही है। और तब तक देखें बाबू टाइमिंग देखें टोली आ रही है क्रांतिकारियों की और टोली जब कान में आवाज गई भीड़ दिखती है अंग्रेजों की और धरती पर कोई गिरा है वही बच्चा है, क्या जुर्म किया होगा। लोग सोचे हैं सोचने के बाद तनिक भी देरी नहीं किए और अंग्रेजों को अपने गोली के द्वारा धाक देते हैं। और जितना बचलना कुल भगलना कितना मिला के मरला हुई जा। अब मरने के बाद ये भैया मरने के बाद ये साहब दौड़ करके पहुंचते हैं क्रांतिकारी नौजवान उस बच्चे के पास। जाने के बाद देखलन है सांसें चल रही है, शरीर से लोह की धारा निकल रही है, सांसें चल रही है। जा करके क्रांतिकारी रलन है देखो अपना जंगाव से तौलन है बचवा गर्दन रखलन है। हे चढ़िया पर रखले के बात करना हे बाबू, ए बाबू तू काहे के तो काहे के अंग्रेज मरलन रे पगला, ऐसा तू कवन जुर्म कैले काहे तो के मरलन। ये बाबू तो लड़का रुआ था आंख से आंसू की धारा चला था कलस के साहब, ए साहब आप लोग के हुआ कहना हम लोग क्रांतिकारी हैं देश के रक्षक हैं। बोल तुझे गोली क्यों मारा गया, अंग्रेज के भी बेरहमी से तुम्हें क्यों मारे। तो रो रहा है कहा कि साहब मैं कोई बड़ा जुर्म नहीं किया, मैं तो अपने बाप का बदला लिया। बाप का बदला, कहा कि हाँ साहब मेरी माँ गुरुद्वारा में रहती है सुहाग नहीं है
अपने पति की याद में मुझे अपने पास ले जा रही है। जब लेकर लोग पहुंचते हैं उस गुरुद्वारे में तो मास्टर हुआ क्या, विराम भाव लगे। आहट सुनलस, कदमों की आहट सुनी, उठाती है निगाह, थक गई अखिया बंद कैलस लगा तो बचवा हमार रास्ता भटक गया कि हमार पैबा ना कैलस काहे न आई। कदमों की आहट सुनती है फिर उठाती है निगाह, देखती है एक वस्त्र पहने हुए टोली आ रही क्रांतिकारियों की, पटाख से उठल महतारी हो, उठ के हाली हाली गई है अगवानी, हे बाबू अगवा गई जा, खड़ी हो गई क्रांतिकारी नौजवान एक लाइन से खड़े हो गए। और खड़े होने के बाद वो महतारी कलश, हे बाबू बाबू तो लोगन के हुआ, हे भैया भैया आप लोगन के हुआ, ये साहब आप लोगन के हुआ, यह लोगन से पूछा था और सबका चेहरावा देखा था बाबू, लेकिन वाह एक चेहरा और दिल पे वार करा था टोली में से, कैसे बाबू दूरी पर, एक चेहरा है दिल व्यवहार कर रहा है, सोचा था हो न हो, जो दिल कह रहा है सच्चाई वही है या नहीं है, कैसे पूछूं दिल की बात जुबान तक आई। ए बाबू जुबान साथ नहीं दे रहा है फिर भी हिम्मत को मजबूत करती है, और जवान 5 फुट का फासला रहा तो उन्होंने 2 फुट में बदल गई, 2 फुट नजदीक आ गई। ये बाबू जब्राइल है चेहरवा देखा था एक तक निहारा था, और वो भी जो खड़ा है नौजवान वो भी देख रहा है, ये साहब वो भी देख रहा है, लेकिन उनके भी दिल से आवाज मुख से आवाज नहीं निकल रहा है, कैसे पूछे हो न हो सच्चाई है कि नहीं है, इसे बात क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये बाबू पहले सवाल करती है वो मंजीत कौर दुल्हन, सवाल करती है जो मैं देख रही सच्चाई यही है, आप वो पहलवान तो नहीं है जिस पहलवान को अंग्रेज पीछा किए थे, आय हाय जब इतनी बात के सुनला है वो क्रांतिकारी आदमी, ये साहब करें कहीं तुम मेरी दुल्हन वो मंजीत कौर तो नहीं हो, आय हाय बतिया टैली कैलस हो, अजब बतिया टैली कैलस ये साहब पहचाना मत देरी नहीं है, आखिर का भाई का मास्टर आखिर पहचान अपने साहब
भोजरे में बात विचार भई और वो जो सामने खड़ा है क्रांतिकारी नौजवान वो और कोई नहीं है उस गोविंदर पहलवान और जो दुल्हन है उस पहलवान की दुल्हन। ये साहब जब सुन ले कि वह पहलवान हमारा सैया हुआ है बाबू आज पगली अपने आप को रोकना उलस हो छतिया जाके समा गई है कहाँ रहला है सैया कहाँ रहला इतना दिन तक कहाँ हमारे याद ना आए लोग कला के अंग्रेज पापी मार गला कला रे पगली शांत रह ए माटी में दम हरे पगली अंग्रेज तो पीछा कैला सारे डिब्बे की दूध पीने वाले वो क्या कर पाएंगे सारे पीछे रह गए मैं आगे निकल गया और कुछ दिन तक छुप करके रहा और जब घर पर आया जब घर पाया पता लगा तुम घर पे नहीं हो खोजता रहा कुछ दिन खोजा फिर सोचा कि अब जब मेरा परिवार कोई नहीं है तो ये जो जिंदगी बची हुई है इसको ऐसे व्यर्थ कर देना ठीक नहीं है जो जिंदगी बची है इस जिंदगी को लगा दे देश के लिए टोली बना के क्रांतिकारियों की देश की सेवा कर रहे हैं। लेकिन तू बता ओ निशानी मेरा तू बोली थी ना जो निशानी हमारे पास संभाल के रखूंगी क्या हुआ कुछ हुआ है ए बाबू कहाँ है आज मंजीत कौर दुल्हन कहती है कि सैया तहार निशानी एक कोख से एगो बेटा पैदा भइल है बेटा पैदा भइल है। लेकिन खुशी एक बात कहो कि ओके हम बतौली जा कि तुहा के मारे वाला क्लियोटाम संग्रेज पापी है जो की फैसला कर चुका हो जाए अपने देश में हिंदुस्तान छोड़ के उगल पापी के मारे खातिर आए हाय समझे में देरी ना भइल हो आज सुखविंदर पहलवान के समझे में देरी ना भइल है और पिछमुड़िया भैलन गैला बैलगड़िया के लगवा जाके देख लिया तो गैला बैलगड़िया के लगवा हो जाए के बचवा के मोह निहारत हो अपने बचवा के दुलार प्यार ना दे सकते आए हाल तो ऐसे ऐसे धरती पर देश देश के लिए ऐसा ऐसे ऐसे नौनिहाल ऐसे ऐसे सपूत शहीद हुए हैं क्या मिल रहा है फांसी के फंदों को चूमे जैसे खड़े आजाद परिवार भूखों मर रहा है कोई ध्यान दे रहा है नहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है न सरकार ध्यान दे रही है न कोई ध्यान दे रहा है आज 20 लाख है आज 20 लाख मिले थे जो फांसी के फंदों को हंसते हंसते चूम लिए उनका परिवार बिखर गया है निस्वार्थ सेवा किया जिसको कोई लोह नहीं था क्या मिल रहा है कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है नेट खोलकर देखिए परिवार भूखों मर रहा है रहने का ठिकाना नहीं है झोपड़ पट्टी में रह रहे हैं लोग आइए संगवा संगवा आई रे बैलगड़िया के लगवा देखला ससरिया लोहू से लुहान हो चेहरा पर भी रक्त लगा हुआ है खून लगा हुआ है माई बावली हो गई है रोवा था का करनी मास्टर वीरांगना जो देश की नारी अपने छाती पत्थर रखी हुई है एक बात कहती है क्या कहती है कि तोहरा बिना सही गई तोहरा बिना सही गई दुख का सारा गम हुआ लेकिन कैसे जिया बिना लाल के बलम
आखिरकार भैया आज अपने पत्नी का हौसला बढ़ा रहे हैं, कह रहे पगली मेरा बेटा देश के लिए कुर्बान हुआ है, बाप का बदला अपने लिया, दुर्भाग्यवश दुनिया से अलविदा हो गया। तो मुझे अफसोस नहीं करना चाहिए रे पगली, बेटा हो तो ऐसा हो। आज है कि बाप और आंच अगर आए तो बेटा लहू कुर्बान कर दे, क्योंकि माँ बाप का एक सपना होता है कि मेरा बेटा नाम ऊंचा करे। बाबा बाप मतारी बच्चा ही खातिर पैदा करल, सपना पूरा करल, जिनकी नजर आज काल तो होंगे बता दे के बाद बता दे पहले लोग इतनी सभ्यता रह इतना लोग क्षमता मान रहा कि बियाह हो जाए तीन चार साल गौन में नहीं आवे, क्योंकि 10 साल बीत जाए, क्योंकि 12 साल बीत जाए, यानी सुप्रीम सुधा के बियाह हो जाए। अल्लाह बाबा लोग बता रहे हमरे पऊपू जी सुपे में भैया कम से कम 4-6 महीना हो जाए, लेकिन जमाने की बात है 4-6 महीना जब मेरी दूल्हे का मुंह ना देखा जनाब का लड़का हुआ, अब तो रात ही लगे सब सुनता, अब तो रात ही लगे सब सुनता, लेकिन खटिया पर से मुंहता छूटे साथ है को छन्ना भैले दीवाना, जमाना नए फैशन का सुना, पहले बहुरिया चोटी बाने बाल खुलौगा नहीं रहा, धोती कुर्तक पैंक घूमे कुकुर मुतौगा नहीं रहा, हाथ है गोड़े लगाई महावर होठ कलाली नहीं रहा, अब भाई भाई में प्रेम है तो कत्ल करोगा नहीं रहा, जमाना चेंज हो गया। हाँ बाबू आप जमाना बढ़िया रहा, अब बिरहा खतरनाक ही भाव